आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जा कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो दान वरदान, दे दो कृपा वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर पे, धन्यवाद देते हैं इस वक्त इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, जय यीशु प्रभु क्रिस्त, आपकी आराधना, आपकी आराधना करते हैं प्रभु क्रिस्त, की स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा, आपके सर्व हर एक चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु क्रिस्त। धन्यवाद प्रभु क्रिस्त, धन्यवाद तमय यीशु, धन्यवाद यीशु, के महिमा कम गौरव करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु क्रिस्त। धन्यवाद, जय यीशु प्रभु क्रिस्त। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, जय हो क्रिस्त, जय हो जीसस, थैंक यू जीसस, प्रभु इसके इस वक्त के लिए, समय के लिए महिमा कम गौरव करते हैं। हालेलुया, 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 थैंक यू किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, हमारा कर्ता, हमारा धर्ता, हमारा सब कुछ प्रभु के पे धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं इस वक्त इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु के, धन्यवाद, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु इस वक्त धन्यवाद।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जूम ऐप के टेक्नोलॉजी के लिए। फिर एक बार आज हम सब जूम ऐप तकनीक के माध्यम से आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़े हैं। धन्यवाद प्रभु। आज हम एक सुंदर विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं जो है अब सब पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, जो योहन अध्याय 19 वाक्य 30 से लिया गया है। तो आइए पवित्र आत्मा इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल, आसान और समझने में आसान बना दीजिए ताकि हम आपके वचन की शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन की सभी परिस्थितियों में विशेष रूप से परीक्षा की घड़ी में आपके पवित्र वचनों को हमारे जीवन में लागू मम्मा मैं कल टूट गया के नाम पर ये प्रार्थना मांगते हैं आमीन। एक बार फिर सचिव में आप सभी को जाइए और हैप्पी फीस्ट ऑफ गुड शेपर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपनी बाइबल नोटबुक पेन लेकर रेडी होंगे। आपके पास अपनी बाइबल तैयार रखिए। इस बाइबल क्लास में हम जो वचन सीखेंगे उन्हें नोट करके रखिए, बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। क्योंकि क्या होता है, जब हम यहाँ बाइबल क्लास में वचन सीखते हैं और सिर्फ एक बार सुन लेते हैं ना और उस वचन को दोबारा नहीं पढ़ते, तब शैतान आकर वचन की शिक्षाओं को ले जाता है। जैसा हमने मत्ती के 19 में पढ़ा, यदि कोई राजू का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी बाइबल नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहे और वचन सुनते समय अपने नोट बनाए, वैसे ही जैसे आप स्कूल या कॉलेज में अपने नोट बनाते हैं और बाद में अध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई किया है वो याद आता है और हम परीक्षा लिख पाते हैं, ठीक तरह से लिख पाते हैं और परीक्षा में पास होते हैं। वैसे ही बाइबल के वचन हमारी रियल लाइफ की परीक्षा में काम आते हैं। हमें उसके लिए आपको भी अपना स्वयं का स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो वचन होता है परीक्षा के समय शैतान का हम वचन के माध्यम से सामना करते हैं। इब्रानियों 4:12, हिब्रू 4:12 में हमने पढ़ा, वचन पढ़ा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। तो प्रभु का वचन जो होता है वो दूधारी तलवार के समान होता है। जब परीक्षा के समय शैतान हमें टेम्पटेशन देता है, प्रलोभन देता है, तो हम उस वचन के माध्यम से उसका सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्लास में जो सुनेंगे, जो वचन मैं अभी बोलूंगा हम लोग पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसे आप नोट करके रखें और बाद में जब आप समय मिलता है अपना समय निकाल के उसे पढ़ें। क्योंकि मार्कुस 4:15 में क्या लिखा है, जो रास्ते के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर यह वचन ले जाता है जो उसके हृदय में बोया गया है। तो इसलिए जब हम वचन सुनते हैं और फिर अपने दैनिक जीवन के काम में लग जाते हैं तो हम वचन भूल जाते हैं और शैतान आके उसे चुरा लेता है, इसलिए हमें वो याद नहीं आता है। परीक्षा के समय जब हमारी परीक्षा होती है उस समय हम भूल जाते हैं, वचन हमें याद नहीं आता है और हमारे मन में अलग ही ख्याल आते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप वचन नोट करके रखें। पिछली बाइबल क्लास में हमने क्या सीखा था, हम लोग उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आप लोग यूट्यूब की लिंक पे जाके देख सकते हैं। हमने सीखा था पहली क्लास में विश्वास का नियम, मार्क 11:26, मतलब मार्कुस 11:22-26 में विश्वास का नियम है जो वो पढ़ा था हमने। और उसके बाद फिर हमने यूहन 10:10 से प्रभु यीशु में परिपूर्ण जीवन का रास्ता किस तरह हमें मिलता है वो उसके बारे में पढ़ाई किया था।
फिर उसके बाद में जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हम प्रभु यीशु में सच्ची दाखलता से जुड़े रहकर इस जीवन की यात्रा में सब कुछ एक अलौकिक ढंग से मतलब सुपर नेचुरली पा सकते हैं, और सब कुछ मतलब अच्छा स्वास्थ्य अपना जो बीमारी आदि जीवन में वो सब दूर करके हम एक स्वस्थ संपन्न जीवन जी सकते हैं। तो वही योहान 15:4-5 में पिछली क्लास में ये पढ़ाते, ये सब यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप बाद में फिर से आप उसे सुन सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22:1-18 में, पिछले बाइबल क्लास में हमने अब्राहम के टेस्ट के बारे में सुना था, और टेस्ट पर पास करने के बाद परमेश्वर द्वारा इब्राहिम को मिले हुए आशीर्वाद के बारे में भी पढ़ा था। तो आप पिछली, अगर आप में ऐसे जो नए हैं जिन्होंने नई पिछली क्लास में सुना है, तो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उत्पत्ति ग्रंथ 22:1-18 में भी आप वचन को बाइबल में पढ़ सकते हैं, जिसमें इब्राहिम के टेस्ट और टेस्ट को पास करने के बाद उसको मिले आशीर्वाद के बारे में बताया है। पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, याद है आपको, मत्ती अध्याय 5:1-48 तक पढ़ने के लिए कहा था मैंने। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समय निकाल के अवश्य पढ़े, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षाएं बहुत कठिन है। तो जब मैथ्यू चैप्टर 5 मत्ती अध्याय 5:1-48 हम पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें प्रभु यीशु ने जो शिक्षाएं दी है बहुत कठिन है, रियल लाइफ में बहुत कठिन है कि नहीं? यस और नो? इसे आपको स्वयं अध्ययन करके सीखना है, और पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। मैंने भी, अगर सच बोलूं तो मैंने भी वो पूरा वचन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग बाइबल कैसे स्टडी करते हैं, मैं कैसे करता हूँ और कैसे करना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। एक एक वचन को जब हम बाइबल का वचन जो होता है, एक एक वचन को बार बार अपनी ही आवाज में बोलकर पढ़ते हैं और उसे सुनते हैं बार बार, तो सुनकर वचन पक्का होता है। जैसे हम छोटे रहते तो स्कूल में पढ़ पढ़ के सीखते हैं ना, हम हिंदी मीडियम में थे तो हमको पहाड़े याद नहीं होते थे, तो हम रट्टा मारते थे, बार बार बोल बोल के सीखते थे। तो उसी तरह से हमें बाइबल का वचन अगर समझ में नहीं आता है, एकदम से समझ में नहीं आता है, हम खाली किताब जैसा पढ़ देते हैं और बाद में जो परीक्षा के समय हमको याद नहीं आता है, तो बाइबल के वचन को जब हम मुंह से पढ़ते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु के वचनों को, कथनों को हम अपने मुख से बोलते हैं, मतलब तो हम कहते हैं बार बार, तो हमारे कान से वो वचन हमारी दिल में जाते हैं, और दिल में जाने के बाद क्या होता है, जब हमारे दिल में से जब परीक्षा होती है, अगर वो वचन हमने अच्छे से तैयार किया, अच्छे से स्टडी किया है, तो क्या होता है, हमारे अंदर से आवाज आती है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। जिस तरह से हमारे मन में विचार आते हैं, बुरे विचार, अच्छे विचार, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा उस वचन की शिक्षाओं को हमें देता है जो हमने सीखा है, और वो सब अंदर से आता है। तो इसीलिए एक एक वचन को बार बार आपकी अपनी आवाज में सुनकर पक्का करना, ऐसा तब तक करना जब तक कि पवित्र आत्मा आपको अंदर से इन वचनों का अर्थ नहीं बताता, उसे रेमा वर्ड बोलते हैं, मतलब ग्रीक भाषा में देखेंगे तो वो वचन जो पवित्र आत्मा हमें हमारी परिस्थिति के अनुसार बताता है। तो वो वचन जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, उसका अर्थ मतलब शुरू में तो समझ में नहीं आता है, पर परिस्थिति के समय हमको पता चलता है। तो वचन का अर्थ मतलब बाइबल के वचन की शिक्षा हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, बहुत बार सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से बाइबल समझते, बल्कि ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि पवित्र आत्मा के ज्ञान द्वारा बाइबल को समझा जाता है। इसमें समय लगता है, एकदम से हम नहीं समझ सकते, इसमें समय लगता है, इसलिए हमें स्वयं अपना टाइम वचन के साथ स्पेंड करना बहुत जरूरी है, पवित्र वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, तभी हमें पवित्र आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। पवित्र आत्मा तभी कार्य करेगा जब हम डेली अपने वचनों को सीखेंगे। हो सकता है एक एक वचन को सीखो आप, मतलब जरूरी नहीं है कि एक दिन बैठे तो पूरा की पूरा चैप्टर पढ़ लिया। बहुत बार होता है ना कि वचन सुनने का, पढ़ने का मन हुआ तो पूरा की पूरा अध्याय एक दिन में निपटा लिया। तो क्या होता है, ऐसा होता है, मतलब एक उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाने गए, अच्छा खाना बनाए, बढ़िया सा चिकन बनाए, चिकन ग्रेवी बनी है और हम उसको खूब खा लेते हैं, तो क्या होता है, बदहजमी हो जाती है ना, मतलब उसको हजम नहीं कर पाते,
उसी तरह से बाइबल के वचन को भी हम एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चोर आएगा फिर से चुरा के ले जाएगा। तो इसीलिए हमें हर एक वचन का, हर एक वर्स को एक एक करके टुकड़ों में समझना है, बार बार उसको बार बार अध्ययन करके दिमाग में बैठाना होगा। तो आज का विषय है सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले जो अंतिम वक्त अंतिम शब्द कहा था वह है सब पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। यूहन अध्याय 19 वचन 30 में हम इसे पढ़ सकते हैं, हम पढ़ेंगे ये वचन। यूहन इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। यूहन अध्याय 19 1 से 18 में हम हमें प्रभु यीशु का दुखों के बारे में सुनने को मिलता है। मतलब हम पढ़ते हैं, हम हर बार गुड फ्राइडे के समय इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के दुखमय क्रूस मार्ग और क्रूस मरण के बारे में हमें सुनने हमें पढ़ने को मिलता है। हम आज वहां नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं, यूहन अध्याय 19 वाक्य 1 से 18। बट हम ये पढ़ेंगे यूहन अध्याय 19 वाक्य 30 जो हमारा आज का विषय है उस पे उस वचन को हम पहले पढ़ेंगे। तो यूहन अध्याय 19 वाक्य 30 से जॉन 19:30 हम पढ़ेंगे अभी। ईसा ने खट्टी अंगूरी चक्कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सब पूरा हो चुका है, ईसा ने क्या कहा? लास्ट वचन जब प्रभु यीशु मतलब क्रूस पर चढ़ गए, जब उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, तो मरने से पहले लास्ट वर्ड बोला था, अब सब पूरा हो चुका है, सब पूरा हो चुका है, जो हमने 19:30 में अभी पढ़ा है। हमने कई बार इस वचन को सुना है और बाइबल में पढ़ा है, क्या अर्थ है इसका? प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? आइए देखते हैं बाइबल हमें क्या बताती है। जेनेसिस 3:1-19 मतलब उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1-19 में हम पढ़ सकते हैं सब लिखा है, मतलब किस तरह से इस पृथ्वी पर पाप आया। मतलब हम आदम और हवा के जो वचन आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1-19 में, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे पर कुछ वर्ष जो है हम अभी पढ़ेंगे। जेनेसिस 3:4-6 उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 4-6 सांप ने स्त्री से कहा, नहीं तुम नहीं मरोगी, ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि वह वृक्ष का फल स्वादिष्ट है। अध्याय 4 में अभी जो हमने पढ़ा कि उसे सांप ने मतलब हवा को सांप ने प्रलोभन दिया, सबसे पहले फल खाने से पहले मतलब सांप ने प्रलोभन के साथ एक प्रलोभन दिया कि तुम ईश्वर के स्वदेशी बन जाओगे। तब आगे 6वें वचन में हम पढ़ेंगे, अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तो परमेश्वर ने इस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1-19 में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी थी, मतलब कहा था कि तुम सब कुछ खा सकते हो, सारे फल मतलब इस बागान में आदि आदम बागान में से सारे फल खा सकते हो, केवल एक फल नहीं खाना। तो वो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को तोड़ने के लिए सांप ने हव्वा को प्रलोभन दिया और उसके द्वारा उस प्रलोभन में पड़ के हव्वा ने वो फल खाया और साथ में आदम को भी खिलाया। आगे हम पढ़ेंगे 3:17 में, उसने आदम से कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होती होगी, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। तो
तो इस 17वें वचन में मतलब जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी आदम और हवा को, उस आज्ञा को थोड़ा प्रलोभन में पढ़ के आदि हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने, तो उसके बाद परमेश्वर ने हमें इस सजा मतलब परमेश्वर ने क्या कहा, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी क्योंकि तुमने आज्ञा को तोड़ा है, तुम शापित होगी मतलब क्या आते हैं इसके बाद पाप, हम देखते हैं आगे वचन में जब पढ़ते हैं डिटेल में, तो इसके बाद पाप और मृत्यु इस धरती पर आई, आदम हवा के बच्चे हुए बहुत सारे इस पृथ्वी पर, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, और बार बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी पर और लोग हो गए, उन्होंने पाप किया, बार बार पाप में गिरने लगे, और मानव जाति शैतान के वश में होते गए, मतलब जब पाप करते हैं तो शैतान को फ्री लाइसेंस मिल जाता है उसमें प्रवेश करने का, लोगों में हमें प्रवेश करने का, तो हमारे जो आदि माता पिता रहे, जो हमारे पूर्वज रहे, उन सबों ने जो पाप किया, जो उनसे गलतियां हो गई है, मतलब आदम हवा इस बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी जनरेशन में बार बार पाप में गिरने के कारण वो शैतान के वश में हो गए, और आगे क्या हुआ, आगे हम वो जो श्राप है मतलब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने जब उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हवा को आदम वाटिका से बाहर निकाला तो उन्हें कहा था भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी, तो वही श्राप जो है वो आगे हम विधि विवरण ग्रंथ डियोट्रोनोमी 28 में पढ़ सकते हैं पूरा चैप्टर, जिसमें श्राप और ब्लेसिंग्स के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें से हम कुछ वर्स पढ़ेंगे अभी। तो प्रभु की वाणी आज्ञा है, उसे नहीं मानने के कारण इस तरह श्राप के कारण मृत्यु देने वाली बीमारियां इस पृथ्वी पर आई, वही हम जेनेसिस 3:17 में पढ़ा अभी हमने, कि उत्पत्ति ग्रंथ 3:17 में अभी हमने पढ़ा भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी, और 15वां में 15 में परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उनके सब आदेशों और विधि निर्देशों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे। मतलब विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 डियोट्रोनोमी चैप्टर 28:15 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी विधि विवरण ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर हम प्रभु ईश्वर की वाणी को मतलब वचन जो है बाइबल के वचन, और उस समय में जो है पुराने समय में जब पुराना व्यवस्थान पढ़ते हैं तो नबियों द्वारा नबियों के मुख से प्रभु बोलते थे, पिता परमेश्वर बात करते थे और आज्ञाएं देते थे, तो उन आज्ञाओं को उन वाणी को उस समय यहूदियों ने अस्वीकार किया, नहीं सुन पाए। आज भी हम प्रभु वचन के वचनों को ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके लिए जब ऐसा करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निषेधों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे और तुम्हें दबोचेंगे। कौन कौन से अभिशाप है, वो बहुत सारे अभिशाप है, अगर आप चैप्टर 28 पूरा विधि विवरण पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें से कुछ जो वर्स है वो मैं हम पढ़ेंगे आगे, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28:20 से पढ़ेंगे हम, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28:20। तुम्हारे सब कार्यों में प्रभु तुमको अभिशाप विपत्ति और धमकी देगा जिससे तुम्हारा सर्वनाश होता जाएगा और तुम शीघ्र ही अपने कुकर्मों के कारण मिट जाओगे। यह इसलिए होगा कि तुमने मुझे त्याग दिया, पूरा वचन है इस तरह, मतलब प्रभु इस वचन में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे सब कार्यों में प्रभु तुमको अभिशाप विपत्ति और धमकी देगा जिससे तुम्हारा सर्वनाश होता जाएगा और तुम शीघ्र ही अपने कुकर्मों के कारण मिट जाओगे। ये इसलिए होगा कि तुमने मुझे त्याग दिया मतलब प्रभु की वाणी पर ध्यान नहीं दिया और अपने ही अनुसार जीवन जीते गए। आज भी हम पवित्र वचन जब पढ़ते हैं और प्रभु यीशु की सिखाई हुई शिक्षाओं पर नहीं पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से कुछ काम करूं या कुछ कार्य करने जाऊं तो असफल होते जाते हैं, बहुत बार होता है ना, हम कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, तो वह इस श्राप के कारण से होता है, क्योंकि जब हम आज्ञा पे नहीं चलते हैं तो ये श्राप हमारे जीवन में कार्य करता है। आगे हम 21वें वचन में पढ़ेंगे, और जब तक कि तुम उस देश से
जो तुम अपने अधिकार में लेने जा रहे हो, समूह नष्ट नहीं हो जाओगे तब तक प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा। ये बहुत ही ये श्राप जो परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है, मतलब ये ड्यूटरोनॉमी में बाइबल में लिखा है 21वें वचन में, और जब तक कि तुम उस देश से जो तुम अपने अधिकार में लेने जा रहे हो समूल नष्ट नहीं हो जाओगे तब तक प्रभु तुम पर बीमारियां भेजते रहेगा। लास्ट में वचन में लिखा है तब तक तुम पर बीमारियां भेजते रहेगा प्रभु। ये पुराने व्यवस्था में होता था, पर ये जो है परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण से मूसा के समय जब 40 दिन वो लोग मरुभूमि से प्रॉमिस लैंड जो है उस पे जा रहे थे, तो उनपे विपत्तियां आई। उसके पहले में भी जब पाप में गिरते गए तो उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ा और बहुत सारी हुई। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं आगे 22 में पढ़ेंगे हम। प्रभु तुम पर क्षय रोग, ज्वर, सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा पाला और फफूंदी भेजेगा। जब तक तुम निर्मूल नहीं हो जाओगे वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मतलब इस वचन में लिखा हुआ है प्रभु तुम पर क्षय रोग, ज्वर मतलब फीवर, सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा पाला और फफूंदी भेजेगा। जब तक तुम निर्मूल नहीं हो जाओगे वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो विपत्तियां हैं, ये जो श्राप है, ये पुराने व्यवस्था मतलब पुराने समय में जब पाप हुआ था, तो वो पाप पुराने समय से लेके प्राचीन समय से लेके अभी भी इन पापों का असर बहुत बार देखने को मिलता है। मतलब जब शरीर में पाप हो जाता है, मतलब शरीर में बीमारी रोग होती, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रभु तुम पर बीमारी भेजता रहेगा। प्रभु परमेश्वर ने पुराने व्यवस्था में जब इसराइलियों ने और यहूदी लोगों ने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और आदि हमारे आदि माता पिताओं ने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो ये श्राप में बंधे हुए। मतलब जब हम आज्ञा तोड़ते हैं तो शैतान को फ्री लाइसेंस मिलता है। ये जो रोग है अभी इसमें बाइबल में लिखा है प्रभु तुम पर क्षय रोग देगा। ये प्रभु तो पहले पुराने व्यवस्था में ऐसा था कि प्रभु मतलब प्रभु मूसा के द्वारा मुख से जो संहिता दी गई थी उसमें बाइबल में जो ये वचन लिखा गया था प्रभु तुम पर क्षय रोग, ज्वर, फीवर, सूजन, भयंकर गर्मी, ये सब जो चीजें हैं वो उन्होंने दिया था। तो मतलब प्रभु पहले पुराने व्यवस्था में नबियों के मुख से बोलता था, तब ये सारे के सारे वचन में लिखी हुई सारी बीमारियां और जो श्राप है वो आए थे। 27वें वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु तुम्हें मिस्टी फोड़े और व्रण, व्रण मतलब अल्सर, खुजली तथा स्वयं से पीड़ित करेगा और उनका कोई उपचार नहीं होगा। मतलब ऐसी बीमारियां जो आएगी और पुराने समय से, मतलब पुराने स्थान में हम पढ़ते हैं किस तरह जब मिस्र में इसराइल यहूदी सब गुलाम थे और उस समय में उनके समय से लेकर बहुत जनरेशन तक ये ऐसे बहुत सी बीमारियां आई। मतलब हम भी अगर इस समय में देखेंगे अभी कोरोना वायरस आया है और भी हमारे से पहले बहुत सारी बीमारियां इस तरह से आई जिनका कोई उपचार नहीं हो सकता है। मतलब इसमें लिखा है वचन में प्रभु तुम्हें मिस्टी फोड़े, अल्सर, खुजली, मतलब ऐसी बीमारियां भेजेगा उनका कोई उपचार नहीं हो सकेगा। फिर 28वें वचन में प्रभु तुम्हें उन्माद, अंधापन और पागलपन, पागलपन मतलब जब पागल हो जाते हैं, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मतलब ये पागलपन होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कुछ भी और कुछ करते जाते हैं अपने मन से ही, तो इस तरह की बीमारियों से पीड़ित होगा। तो ये सब जो चीजें ड्यूट्रोनॉमी में विधि विवरण ग्रंथ में हम अध्याय 28 में अभी 20 से लेके 20, 21, 22, 27 और 28 वचन में हमने अभी अभी पढ़ा है, ये सब चीजें जो है आज्ञा नहीं पालन करने से मनुष्य के जीवन में आई। मतलब आदि काल से लेके अभी तक यहाँ पर 28 मतलब हमने 15 वचन में जिस तरह लिख पढ़ा है अभी प्रभु, परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे, यहाँ लिखा हुआ है यदि हम हमारे पूर्वज और हम भी अगर परमेश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं देंगे तो उन सब आदेशों और विधि निर्देशों का सावधानी से पालन नहीं करेंगे तो तुम्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूं तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे, तुम्हें घर दबोचेंगे।
तो आज भी होता है बहुत बार जब हम पवित्र वचनों को शिक्षाओं से समझ नहीं पाते हैं और अपना जीवन अपने ही मर्जी से अपनी बुद्धि से अपने अनुसार जीते जाते हैं तो हम भी बहुत बार बीमार हो जाते हैं। बहुत बार फीवर होता है हमको, बहुत बार देखा है सूजन आ जाती है, बहुत बार मतलब उस समय में जो है जो प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, मतलब जो ये होता है वो खेत और खलियान होते थे जिसमें भयंकर गर्मी के कारण सूखा पाला आता था। आज भी होता है, सूखा होता है, पानी नहीं गिरता है, बारिश नहीं होती है और फसलें खराब हो जाती है, फफूंदी लगती है। तो यही सब इसमें लगा हुआ है, मतलब पुराने समय से लेके आज तक ये सब चीजें रिपीट होते जाती है। क्यों रिपीट होती है? क्योंकि अनजाने ही मनुष्य परमेश्वर की वाणी की अवहेलना करता है। मतलब हमें जब बहुत बार होता है कि हमें इसकी शिक्षा नहीं है, बाइबल के वचन हमने कभी पढ़ा नहीं या हमें किसी ने पढ़ाया नहीं या हमने समझा, तो हम अनजाने ही उस इसमें गिर जाते हैं और उस मतलब बाइबल की शिक्षाओं को समझे बिना ही अपनी लाइफ जीते जाते हैं और बार बार शैतान के वश में रह के हम ये सब पाप करते हैं और गलतियां करते हैं। मतलब जो आज्ञा है परमेश्वर की वह उसको जब हम तोड़ते हैं और उसके विरुद्ध अपना उसके विपरीत अपना जीवन जीते हैं तो ये सब खराबों का हमें सामना करना पड़ता है। तो प्रेस गॉड 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमें ये सब खराबों से मुक्त किया है। कैसे? प्रभु यीशु ने हमें ना सिर्फ आदि पाप से मुक्त किया है बल्कि हमें संहिता के अभिशाप से भी मुक्त किया है। कैसे हम जानेंगे ये? अभी हम आगे वचन पढ़ेंगे। मतलब पहला जो है, पहला चीज है, प्रभु यीशु ने हमें पाप मतलब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने हमारे हमारे जो पाप है हम मतलब हमारे पूर्वजों से लेके अभी और हमारे आने वाले मतलब प्रेजेंट मतलब पुराना वाला जो हमारा पुरानी लाइफ थी, हमारे पूर्वजों का श्राप, हमारा पाप, हमारे आने वाले कल का, आज का पाप, कल का पाप, आने वाले कल का भी पाप जो है प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया है। और उसे हम कैसे जानेंगे? 2 कुरिन्थियों 5:21 में क्या लिखा हुआ है उसमें क्लियर लिखा है, मतलब पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियंस 5:21। मसीह का कोई पाप नहीं था फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। अभी अभी हमने ड्यूटरोनॉमी में पढ़ा, मतलब विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ा कि हर जगह पर वचन में लिखा है प्रभु तुम पर क्षय रोग देगा, प्रभु तुम पे मिस्री फोड़े डालेगा। ये सब चीजें जो मूसा के संहिता में लिखी हुई है, मतलब मूसा द्वारा ये वचन लिखे हुए थे। बट प्रेस गॉड, परमेश्वर कितना दयालु है, हमारा प्रभु प्रेमी और करुणामय और दयालु परमेश्वर है। उसने क्या किया, 2000 साल पहले प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा और उन्होंने जो शिक्षाएं दी और उसके द्वारा अभी 21वें वचन में हमने पढ़ा मसीह का कोई पाप नहीं था, निष्पाप थे प्रभु यीशु, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। तो इस तरह से हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रभु यीशु निष्पाप होते हुए भी हमें पाप से छुड़ाकर, आदि पाप से छुड़ाकर और हमारे अभी के पाप, आने वाले कल के पाप, आज के पाप, सभी पापों से हमें शुद्ध किया, मतलब माफ कराए, परमेश्वर ने रास्ता खोला है। और सिर्फ पाप से नहीं, आगे क्या किया है आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा काम, पहला चीज है हमें प्रभु यीशु ने पापों मतलब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। दूसरा क्या किया, प्रभु यीशु ने हमारे श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया। कैसे हम जानेंगे? हाउ डू यू नो गलातियों 3:13 Galatians 3:13 मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Praise God. तो Galatians 3:13 में अभी अभी हमने पढ़ा जो मूसा द्वारा संहिता दी गई थी, जो नियम दिए गए थे और उसमें जो श्राप के बारे में विवरण अभी अभी हमने विधि विवरण 28 में पढ़ा था, वो सबसे हमें मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया क्योंकि लिखा है जो काट पर लटका, जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो शापित है।
तो विधि विवरण ग्रंथ में क्या पढ़ा था हमने 28:15 में, परंतु यदि तुम अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निर्देशों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिसे मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे और तुम्हें धर दबोचेंगे। तो ये जो है अभिशाप, परमेश्वर जो है मतलब हमारे जैसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, मनुष्य क्या रहता है, दो बात करता है, दोगला बोलते हैं ना जिसको, कि मैंने एक बार बोल दिया तो हम पलटी मार देते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर ने उस समय मूसा के द्वारा जो संहिता लिखी थी वो आज भी कायम है। आज भी अगर हम परमेश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं और उनके सिखाए हुए, प्रभु यीशु के सिखाए हुए शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं, तो क्या होता है, तो ये सभी अभिशाप हमें आज भी दबोच लेते हैं। ये अभिशाप जो है, ये जो अभिशाप है, ये शैतान को फ्री लाइसेंस है कि हमने जब हमने आज्ञा तोड़ी या हम प्रभु के वचन पे नहीं चल रहे हैं तो हमें घुसेगा, हमें इंटर हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा हम शैतान के वश में हैं, और ना चाहते हुए भी वो सब काम करेंगे जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो प्रेस गॉड, प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर जो है जब श्राप दिया तो परमेश्वर ने उस श्राप से मुक्त करने का रास्ता भी हमारे लिए खोल दिया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, करुणामय दयालु परमेश्वर है। तो ये हम कैसे पता चलता है, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, योहन अध्याय 3:16 में क्या लिखा, John 3:16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मतलब यहाँ लिखा है जिससे जो उसमें विश्वास करता है, पहला विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो हम बहुत बार सोचते हैं कि ये मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं तो ये हमें समझ में नहीं आता। बहुत बार मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि एक तरफ तो लिखा हुआ है कि श्राप है और हम अगर आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो हम पे श्राप आ जाएगा, हम तकलीफ में आ जाएंगे। ये जो है ना, ये जो कंफ्यूजन है, ये सब आता है कंफ्यूजन का जो ऑथर है, जो निर्माता है, वो शैतान है। शैतान हमारे दिमाग में किस तरह से हम काम करता है हमें पता भी नहीं चलता है, हम उलझते जाते हैं। तो अभी अभी जैसे प्रभु यीशु ने हमें हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और हमने पढ़ा प्रभु यीशु ने हमें श्रापों से मुक्त किया, और फिर उसके आगे भी आगे हम पढ़ेंगे कि जब हम प्रभु यीशु ने सिर्फ हमें पापों से मुक्त नहीं किया, श्रापों से मुक्त नहीं किया, बल्कि हमारे लिए कृपाओं का रास्ता खोल दिया। मतलब जब लास्ट जो अभी हमने जो आज का टॉपिक है, इट इज फिनिश्ड, अब सब पूरा हुआ है। तो परमेश्वर की जो योजना थी, पिता परमेश्वर की जो योजना थी इस संसार में, जो आदि पाप आया, आदि पाप के बाद हमारे पूर्वजों द्वारा जो पाप आया, और हमारे द्वारा जो आज भी पाप होता है, जो आज हम बार बार आज्ञा का पालन नहीं करते। ये आज्ञा पालन क्या है, परमेश्वर की वचनों की अवहेलना करना, मतलब वचन के अनुसार नहीं चलना, अपने मर्जी से जीवन जीते जाना, और प्रभु यीशु ने जो रास्ता सिखाया हमें उसे पालन नहीं करना। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो बार बार शैतान हमें प्रवेश करके हमारा कंट्रोल करता है पूरा, हमारा जो नियंत्रण है, जो रिमोट, जैसे आप टीवी चलाते हो या रिमोट वाली कार आ गई आजकल, तो जिस तरह से रिमोट कंट्रोल जो है वो रिमोट के ऊपर रहता है ना सारी टीवी का, और इसका मर्जी से हम जो भी चैनल बदल सकते हैं, उसी तरह से हमारा मनुष्यों का नियंत्रण पूरा शैतान के हाथ में चले जाता है। जब हम इस वचन की अवहेलना करते हैं, वचन को अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो अब ऐसा होता है। और ऐसा जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमें सीखना, क्योंकि बहुत बार हम लोग जब होता है, अभी उदाहरण के लिए लीजिए, अभी श्राप हमने पढ़ा था विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में 22:27 में श्रापों के बारे में पढ़ा था। आज क्या हो रहा है, आज के समय में क्या हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं महामारी का सामना कर रहे हैं, कोविड कोरोना अभी सुनने में आ रहा है, बहुत लोग बीमार होते जा रहे हैं, इन्फेक्शन होते जा रहा है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं, ये सब सुनने में आ रहा है। तो ये सब जो है, ये क्या है, कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स क्या होता है, तेज बुखार आता है। तो यही तो अभी हमने पढ़ा विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 22 में, मतलब अध्याय 28:22 में क्या पढ़ा,
क्षय रोग ज्वर, ज्वर मतलब फीवर आई, और उसके बाद में ये कोरोना के इन्फेक्शन हो गए। बाकी बहुत सी अन्य बीमारियां हैं जिसमें बहुत बार सूजन आ जाती है, और बहुत बार जो है हमारे शरीर में शरीर की खुजली हो जाती है, बहुत बार अल्सर हो जाता है, और फोड़े हो जाते हैं अलग अलग तरीके के शरीर में, मतलब इस तरह की परेशानियां होती। तो जो बीमारियां हैं, मतलब यहाँ पर 21वें वचन में अगर तुम हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने मूसा के मुख से जब बोला था तो ये वचन जो है परमेश्वर बदलता नहीं। जब हम आज्ञा नहीं पालन करते हैं तो ये जो श्राप है, इस बीमारी जो है एक श्राप है। जो भी बीमारी, जिस तरह कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी अगर शरीर में आ रही है तो एक श्राप होता है। जब इस तरह से हो, इसके लक्षण हमें दिखते हैं, तो हमें ये समझना है, हमारे लिए ये सिग्नल है, हमारे को अलर्ट होना पड़ेगा कि हमें देखना है हमारे पास्ट लाइफ को स्कैन करके, हमारी पास्ट लाइफ को, पुराना जो जीवन हमने जिया है उसे रिफाइन करके। मतलब जिस तरह से अगर हमारे पास में पुराने जमाने में ये होता था, VCR होता था, या अभी CD प्लेयर होता था, अभी आज के समय में हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट TV है, तो हम पीछे खींच के, कोई भी पिक्चर रहती है तो उसको हम पीछे करके वापस से देखते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो पास्ट लाइफ है उसको अगर हम पास्ट लाइफ को देखेंगे कि हम किस तरह जी रहे हैं, और वचन जो है, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, मत्ती अध्याय 5 जो चैप्टर है वो 5 चैप्टर को पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर है जो प्रभु यीशु की सिखाई हुई शिक्षाएं, जो बेसिक शिक्षा है प्रभु यीशु ने मार्कुस 12:29-31 में जो इन सभी जो संहिता मूसा द्वारा दी हुई संहिता को एकदम शॉर्ट तरीके से बताया है। मार्कुस अध्याय 12:29 पहली आज्ञा, मतलब फरीसियों ने जब परीक्षा ली प्रभु यीशु की, तो उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा गुरु और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने पिता प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारी आत्मा से प्यार करो। पर इसके विपरीत आज की मतलब आज के समय में हम ये वचन को, हम सोचते हैं कि हम चर्च तो जाते हैं, हम रोजरी तो करते हैं, हम प्रार्थना सभाओं में रहते हैं, आध्यात्मिक मतलब बहुत सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे को ये तकलीफें क्यों है, क्यों है, मतलब ये क्यों जो है क्वेश्चन मार्क है बड़ा, जो हमें कंफ्यूज करता है बार 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 जो है ये काम जो है ये शैतान कंफ्यूजन डालता है। मतलब हर तरह की बहुत सारी ये जो शैतान है, इसका अभी हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि प्रभु मतलब इस पृथ्वी की रचना से पहले ही लूसीफर का अस्तित्व है। लूसीफर जो था वो एक स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की स्तुति किया करता था, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और उसने जब परमेश्वर की बराबरी करनी चाही तो उसने भी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसे भी इस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। पर उसने तब तक उसने बहुत सारे अपने स्वर्गदूतों को भड़का कर अपने टीम में ले लिया था, अपने और आकर्षित कर लिया था, वो भी पाप गलती गए, तो उनके साथ में लूसीफर और बहुत सारे शैतान मतलब स्वर्गदूत जो है शैतान बन गए और उन नीचे पृथ्वी पर आ गए। अभी पृथ्वी पर जब आदम और हवा को बनाया तो उनको उन्होंने प्रलोभन देके जो हक था वो अपने पास ले लिया। इस पृथ्वी पर जो हक है, जो जो राज्य है, वो आज भी जो है, मतलब वो जो राज्य था परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, वो चोरी से शैतान ने ले लिया। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए तो वो प्रभु यीशु ने उसे क्रूस पर हरा दिया, शैतान को हरा लिया, और वो जो सारा हक था हमें वापस दिलवाया। पर फिर भी आज क्या होता है, आज के परिवेश में अगर हम देखेंगे तो आज भी हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और मतलब शैतान क्या करता है, शैतान हमें आंख से तो नहीं दिखता है ना, हम ब्लेसिंग्स और जो श्राप है वो खाली उनको देख सकते हैं। मतलब अपने शरीर में अगर रोग है तो उसका अनुभव कर सकते हैं कि मैं तो रोग हो गया है। अगर मेरे शरीर में निरोगी हूँ और अच्छे से संपन्न हूँ, फैमिली अच्छी है, सब बढ़िया चल रहा है, तो हम वो ब्लेसिंग समझते हैं कि हाँ परमेश्वर कितनी कृपा है ब्लेसिंग से, तो सब हम अनुभव कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे, मतलब आप निर्गम, ये जो अभी चैप्टर हमने पढ़ा है डियोट्रोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28:1-14 तक पढ़ेंगे तो इसके अंदर में सारे ब्लेसिंग्स है जो उन सब के बारे में दिया हुआ है, और 15 के आगे पढ़ेंगे तो सब श्रापों के बारे में दिया गया है। तो मूसा द्वारा जो प्रभु परमेश्वर ने जो संहिता में, मतलब मूसा द्वारा लिखी संहिता थी, मूसा ने क्या लिखा था,
मूसा ने सब कुछ पुराने व्यवस्था में नियम दिए थे, उन नियमों का पालन ये यहूदी बहुत पहले से करते आ रहे थे। तो वो यहूदी लोग संपन्न तो थे, बट वो लोग सिर्फ खाली यहूदी क्या थे या शास्त्री फरीसी, वो समझ नहीं पाते थे, खाली पालन करे जाते थे। और उस कारण से वो लोग संपन्न थे पर फिर भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए और आज्ञा बार बार तोड़ देते थे। उस समय से भी मतलब ये जो बीमारियां हैं, जो श्राप है, उसका असर पहले भी था। तो प्रभु यीशु जब कार्य अपना इस पृथ्वी पर आए 2000 साल पहले, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण करके 40 दिन जब उपवास के साथ प्रार्थना की, उनका फिर भी उनका भी परीक्षा हुआ, शैतान ने उनको भी प्रलोभन दिया। मतलब क्या हुआ, जो मत्ती 4:4 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु को कहा शैतान ने, प्रभु यीशु जब उपवास कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके, उन्हें भूख लगी थी, तो उनको शैतान ने कैसे प्रलोभन दिया, आप तो परम प्रिय पुत्र हैं परमेश्वर के, आप पत्थर को बोलो रोटी बन जाएगा और वो बन जाएगा। तब प्रभु ने क्या किया, ये जो है मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए तो बहुत आसान है ना कि एक शब्द कहा और सब कुछ हो गया, पर प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु ने जो संहिता, जो परमेश्वर ने वचन लिखे हैं, उसका पालन करते हुए उसका सामना किया, है ना। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रभु यीशु ने वचन लिखा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो मूसा के एक्सोडस में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है जब मरुभूमि में मूसा इज़राइलियों को लेके जा रहा था, तो उस समय उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो प्रभु यीशु ने उन्हें बहुत सालों तक मन्ना खिलाया, हमने पढ़ा है ना। तो उस समय यही वचन जो है प्रभु यीशु मतलब मूसा द्वारा लिखा गया है बाइबल पुराने व्यवस्था के, उसके वर्ष तो मुझे अभी याद नहीं है पर आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर। तो उस समय वही वचन को जो है प्रभु यीशु ने भी शिक्षा ग्रहण करते समय, जब बचपन से बाइबल पढ़ी थी उन्होंने भी, तो वही वचन का उल्लेख करते हुए कहा है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। उसके बाद प्रलोभन पे, एक प्रलोभन, दो प्रलोभन, तीन प्रलोभन, शैतान जब प्रलोभनों के साथ आया तो प्रभु यीशु ने हर बार शुरुआत में कहा लिखा है। आप मत्ती अध्याय 4 को अगर पढ़ेंगे, 4 से आगे पढ़ेंगे, तो हर जगह प्रभु यीशु ने कहा लिखा है, मतलब बाइबल का वचन लिखा हुआ है। उन्होंने प्रभु यीशु जो संसार में आए थे, उन्होंने हर एक वचन को पूर्ण करने आए थे, पूर्णता तक पहुंचाने आए थे। तो उनके द्वारा जो पुराने व्यवस्था में नबियों ने और मूसा ने और इसाईस नबी ने हम पढ़ते हैं जो भविष्यवाणियां की थी, वो सारी भविष्यवाणियों को पूर्णता तक करने आए थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो संहिता मतलब जो प्रभु की वाणी के विपरीत हो। तो प्रभु यीशु ने मतलब शुरुआत से ही आज्ञा पालन किया और वही आज्ञा पालन हमें भी सिखाया है अपनी शिक्षाओं में। जब प्रभु यीशु ने अपना कार्य आरंभ किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपदेश दिया। अगर हम बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक दृष्टांत पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मतलब दृष्टांत सुनाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उसके बाद शाम को उनके शिष्य और लोग और बीमारों को उनके पास लेके आते हैं और वो उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो अभिशाप है जो निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 28 में हमने पढ़ा, जो श्राप के कारण जो रोग मनुष्यों में आए थे उन्हें उन्हें वो निकालते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और उस श्राप से मुक्त करते हैं और सब चंगे हो जाते हैं शब्द मात्र से। मतलब प्रभु यीशु तो कोई मैजिशियन भी थे, जादूगर नहीं थे कि जादू किया, जैसे आजकल हमने टीवी में देखा होगा बहुत बार होता है ना कि कुछ कपड़े के पीछे डाला या कुछ किया, मतलब फिजिकली कुछ नहीं करते, सिर्फ वचन मात्र, शब्द मात्र से उन्होंने सभी रोगियों को चंगा किया और अभिशापों से मुक्त किया। तो वही वचन हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग अवसर पे प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और वही करना जो है प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी सिखाया, वह हम पढ़ सकते हैं आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, अभी हम उस पे नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सो हम इसको और आगे चलते हैं। तो किस तरह से अभी अभी हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने कार्य जीवन काल में कार्य करते समय सब दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, इस अभिशाप से मुक्त करते हुए, जब तक वो जीवित रहे मतलब उनका कार्य करा उन्होंने, तब तक उन्होंने घूम घूम कर प्रचार किया, मतलब सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया, और वही करना उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया।
और अगर हम पूरा बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा बाइबल पढ़ने में बहुत समय लगता है, बट अगर हम हेड नॉलेज से बोलते हैं ना, मनुष्य की बुद्धि से पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, खाली स्टोरी जैसा पढ़ के भूल जाएंगे। बट उसको समझने के लिए हमें वचन के साथ समय, जैसे शुरू में मैंने कहा, अपने को हमें उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, वचन को सीखना है और उसके अनुसार वचन का पालन करना, प्रभु यीशु की शिक्षाओं का पालन करना है। तो अभी ये जो अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर अभिशाप, ये जो है मतलब निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में, तो ये सब समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे, तुम्हें घर दबोचेंगे। तो प्रेज गॉड, प्रभु यीशु ने वो सब अभिशापों से हमें मुक्त किया। अभी अभी हमने गलातियों के नाम अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा, मसीह हमारे हमने 3:13 में, गैलेशियंस 3:13 में पढ़ा है, मसीह हमारे लिए शापित बने, मतलब उन्होंने क्रूस पर खुद हमारे श्रापों को ले लिया और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। अभी यहाँ वचन में तो लिखा है, वचन में तो हमने पढ़ा कि मसीह ने हमारे शापों को ले लिया, पर फिर भी क्या सच में आज रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे हमारे परिवार में, हमारी आस पड़ोस में या सब जगह लोग बीमार नहीं है क्या? वो ये जो रोग ऊपर दिए हुए हैं, फीवर, सूजन, क्षय रोग, फोड़े, अल्सर और अलग अलग की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में नहीं है, आज है, सच देखे तो ये है, बट वो हमारे जीवन से क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम शैतान के वश में, ये जो है ना, ये जो बीमारियां है ये शैतान लेके आता है। अगर हम पहली क्लास में पुराने वीडियोस में अगर आप देखोगे तो हमने अय्यूब के बारे में पढ़ा था, जोब के जीवन में क्या हुआ था, जोब के जीवन में भी, अय्यूब के जीवन में उसको टेस्ट्स का सामना करना पड़ा, मतलब शैतान दूर थे, चतुर है उसने एक दिन परमेश्वर के सामने, हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा शॉर्ट में उसको बताऊंगा, अगर आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसने क्या किया था, शैतान परमेश्वर के सामने आया और उसने बोला कि मतलब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आता है, तो मैं शैतान ने बोला मैं पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इधर उधर घूमते फिरते आता हूँ। तो परमेश्वर पूछते हैं तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा, तो वो क्या बोलता है, वो अपनी धूर्तता दिखाता है, बोलता है आपने उसे संपन्न बनाया है, आपने उसे अच्छे धन दौलत दी हुई है, खूब सारे उसके बच्चे हैं, बहुत सारी आशीषें दी हुई है, आप सब उससे लेके देखो, वो आपके मुँह पे आपका ये करेगा, आपका बुराई करेगा, आपको क्वेश्चन करेगा। तो ये इस तरह से शैतान ने प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने इस तरह बोला, परमेश्वर ने बोला ठीक है, शैतान को उन्होंने कहा कि तू उसका उसको छोड़ दे, मतलब उसका सब कुछ तेरे हाथ में है, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि जाओ उसको बर्बाद कर दे, परमेश्वर ने बोला वो तेरे हाथ में। आज भी हमारे जीवन में वही परीक्षाएं आती है, परमेश्वर कभी नहीं किसी का बुरा करता है, परमेश्वर सिर्फ ये जो बुरा जो टेम्पटेशन बोलते हैं, प्रलोभन और जो तकलीफें होती है, वो सारा की सारा जो लाइसेंस है वो शैतान के पास में, शैतान के इसमें है, वो आज भी अपनी चतुरता से, धूर्तता से हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे जीवन में कार्य कर जाता है। तो अगर आप अय्यूब का ग्रंथ अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आप आगे पढ़ेंगे कि जब पहले उसका सब शैतान ने कहा कि अरे परमेश्वर ने बोला है अय्यूब को कुछ नहीं करना, पर उसके परिवार में उसके बच्चों को मार देता है वो, तो बोलता है परमेश्वर ने ये थोड़ी बोला था कि उसके बच्चों को हाथ में लगेंगे। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें वचन में लिखा है कि शैतान ने उसके बच्चों को मार दिया, वो खारे पी रहे थे, अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ जी रहे थे, पर अचानक से उनपे उनका घर गिरा दिया, वो सब बच्चे मर गए, उसकी मतलब जानवर जो है, जो पालतू जानवर सब चोरी हो गए। उसके बाद फिर भी उसने क्या, अय्यूब ने क्या किया, अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, उसे वचनों का ज्ञान था, मतलब वो संहिता जो मूसा द्वारा दी गई थी और जो पुराने समय में नबियों द्वारा पुस्तकें लिखी थी बाइबल, उसका पालन वो करता था। तो उसने क्या कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, प्रभु की जय है। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु तूने क्यों किया ऐसा मेरे साथ, परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं किया। फिर ये जब शैतान ने देखा, शैतान को और गुस्सा आया, उसने और फिर दिमाग चलाने आया और दुर्दशा के साथ फिर से वो प्रभु परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ, फिर से उसने बोला। तो परमेश्वर ने क्या बोला, अरे मतलब तुमने यूं ही मुझे उकसाया मेरे सेवक को, मतलब परमेश्वर ने उससे कहा, अगर आगे का वचन पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा है तो किधर से आता है, तुमने क्या मेरे सेवक अय्यूब पे ध्यान किया? तो क्या बोलता है शैतान कि प्रभु खाल के बदले खाल, चमड़ी के बदले चमड़ी,
आप उसके शरीर को दुख देके प्रताड़ना देकर देखो, आपके मुंह पर वो आपके बुराई करेगा। तो परमेश्वर बोलता है ठीक है, तुम मतलब वचन आप पढ़ो अच्छे से, उसमें लिखा है परमेश्वर ने उसे बोला कि उसके प्राण छोड़ के बाकी सब तेरे हाथ में। तो क्या कहता है शैतान, वही दुर्दता से ये सारे के सारे रोग फोड़े उसके शरीर में देता है, और उसके शरीर से कीट निकलता था, मतलब पस निकलता था, इस तरह की ये होता था, मतलब ये पुराने व्यवस्था में होता था। बट शैतान वही सब चीजें जो है वो सब शैतान को परमेश्वर ने जो पहले निकाला था, मतलब ये जो प्रलोभन देने का जो ये है वो शैतान के पास में। जब हम भी अगर हमारे जीवन में बहुत बार होता है, दो तरह से होता है प्रलोभन, दो तरह से आता है। पहला होता है या तो हम अज्ञात नहीं मानते तोड़ देते, और या फिर हम परमेश्वर की कुछ योजना है हमारे जीवन में, जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में देखा सुना था कि आपका थम इम्प्रेशन जो है अलग है, परमेश्वर की निर्धारित योजना आपके लिए है, उस योजना में विघ्न डालने के लिए शैतान आता है, और शैतान चतुरता से अपने विभिन्न तरीके के प्रलोभन लेके आता है। तो क्या होता है, पहला या तो आपने आज्ञा नहीं मानी तो आपके जीवन में श्राप आ जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, या दूसरा तरीका जब आप वचन पे चल रहे हो और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, तब भी हमारे साथ एक टेस्ट होता है जो मतलब परमेश्वर की योजना को पूरा होने दो। टेस्ट जो है प्रभु यीशु को भी अपना कार्य आरंभ करने से पहले मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि शैतान ने प्रलोभन दिया प्रभु यीशु को भी। प्रभु यीशु को भूख लगी तो बोला इस पत्थर को बहो रोटी बन जाए, वो रोटी बन ऐसा, तो प्रभु यीशु ने उसका सामना वचन के साथ किया। तो उसी तरह से आज भी हमारे जीवन में जब प्रलोभन आता है और हमें विभिन्न प्रकार कैसे प्रलोभन आता है, मतलब पहली चीज अगर हम जब बीमार होते हैं, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जब आप पे कोई बीमारी आती है शरीर पे तो क्या होता है, सबसे पहले हम सोचते हैं अरे बीमार हो गए तो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दो चार टेस्ट लिख के देता है, हम टेस्ट करवा लेते हैं और टेस्ट पे कंफर्मेशन आ जाता है, देख के कि हाँ ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, और कमी घटी दिखाता है डॉक्टर, डराता है और फिर आपको दवाई लिख के देते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो दवाई खाते हैं, और जब तक मतलब बहुत बार होता है कि कुछ गंभीर बीमारियां हैं जो आपके शरीर पर रहती लंबे समय तक जो चलती है, वो ये समझना है हमें कि वो श्राप है, वो समझ लेना है अच्छे से। जब इस तरह से होता है ना तो क्या होता है, हमारे दिमाग में बार बार विचार डालता है शैतान, नकारात्मक विचार डालता है कि देखो मतलब आप तो इतना अच्छा जीवन जी रहा है, फिर भी तो हर दिन चर्च जाता है, हर दिन हम करते हैं ना, हम चर्च जाते हैं, रोजरी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बचते हैं, और फिर भी हमारे जीवन में लंबे समय तक बीमारियां क्यों रहती है। तो शैतान उस तरह से हमको हमारे दिमाग में बार बार विचार डालता है, विचारों के द्वारा बात करता है और अलग अलग के प्रलोभन देता है, और हमें चतुरता से आज्ञा में आज्ञा परमेश्वर की जो आज्ञा है उससे विचलित कर देता है, परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो सिखाई हुई शिक्षाओं से हमें विचलित कर देता है और हम उसके विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, और जिस तरह से करते जाते हैं उस तरह से हम प्रलोभन में पड़ते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, और हम सोचते हैं कि अरे अभी मेरे इलाज लंबे समय तक करवा रहा हूं पर कुछ हो ही नहीं रहा है। पर ये नहीं होगा तब तक जब तक हम इस वचन की सत्यता को नहीं समझेंगे। ये जो शैतान चतुराई से हमारे जीवन में कार्य करता है, तो उसी शैतान को प्रभु यीशु ने अपने कार्यकाल में निकाला, रोगियों को चंगा किया, और वही वचनों के माध्यम से जब हम अपने पवित्र वचनों को सीखते हैं और सोचते हैं, आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से हम उन थॉट्स का मतलब उन विचारों का, जैसे शैतान अपने को दिखता नहीं है ना, ऐसे सामने खड़ा है शैतान, बोले देखो जैसे पिक्चरों में हॉरर मूवी में देखते हैं ना हम, के काले कपड़ों में शैतान आता है, बड़ा सा मेकअप वेकअप करके, उस तरह से नहीं आता है शैतान रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आता है हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में बार बार कंफ्यूजन पैदा करता है, हमारे दिमाग में बार बार क्वेश्चन डालता है ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे दिमाग में बार बार विचार डालता है, नकारात्मक विचार, हर एक विचार जो पवित्र वचन के विपरीत है वो सब शैतान का काम है, उसे हमें समझना है। तो वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम पवित्र वचन को अच्छे से अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। तो इन सभी जो प्रलोभन आते हैं, अभी जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने देखा कि बीमारी है, अभी विभिन्न प्रकार की बीमारी समस्या हमारे जीवन में आती है, तो उसको कैसे निपटना है, उससे कैसे सामना करना है, उसी के बारे में आगे हम वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने अभी संसार से इतना पा दिया, अभी हमने पढ़ा यूहन्ना अध्याय 3:16 में प्रभु वचन इस तरह से, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके
इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ये अनंत जीवन, परमेश्वर हमें प्यार करता है और हमें जीवन देना चाहता है। योहन 10:10 में पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि चोर आता है चुराने, मारने, नष्ट करने, पर मैं, मतलब प्रभु यीशु किस लिए आए? कि हम जीवन पाए, बल्कि परिपूर्ण जीवन पाए। तो वो परिपूर्ण जीवन हमें कैसे मिलेगा, आगे वचन पढ़ेंगे, जब हमारे जीवन में बीमारी आती है तो उससे कैसे फाइट करना है, किस तरह से शैतान को भगाना है, वो वचन मैं अभी आगे बताता हूँ। संत मत्ती अध्याय 8:17 पढ़ेंगे हम। इस प्रकार नबी इसायस का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हो। प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले, ये जो नबी इसायस है, ये मतलब बहुत साल, 100 साल, 400-600 साल पहले जो है इस पृथ्वी पर भविष्यवाणी की थी उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में, मसीहा आएगा और वो करे। तो वो हम यही वचन जो है, हम नबी इसायस का भविष्यवाणी इसायस 53:5 में पढ़ सकते हैं। मतलब यही जो वचन यहाँ लिखा हुआ है, यही की यही वचन पुराने व्यवस्था में प्रभु यीशु के आने से 600 साल पहले नबी इसायस ने भविष्यवाणी की थी, 53:5 में यही वचन हम पढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या, इसायस नबी ने क्या कहा था, उसने मतलब प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, आप उनके द्वारा भले चंगे हो गए। मतलब अभी अभी हमने जब आज का टॉपिक ही हमने पढ़ा है, लिया है, इट इज फिनिश्ड। मतलब प्रभु यीशु ने जो संहिता के अभिशाप है, जो पाप है, उन सबको समाप्त करके हमारे लिए कृपाओं का रास्ता खोला है। वो कृपाओं का रास्ता किधर है, वही ये वचन अभी आज हम सीख रहे हैं, मत्ती अध्याय 8:17 में इस वचन को हमने सीखा, प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए, यही वचन। और इसके आगे अगर पहला पेत्रुस 2:24 अगर हम पढ़ेंगे, 1 पीटर 2:24, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं, है ना? मतलब इस वचन में क्लियरली लिखा हुआ है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं, होने वाले हैं, ऐसा नहीं लिखा है, हो गए हैं, हो चुके हैं। मतलब इसके पहले मत्ती 8:17 में भी हमने पढ़ा था, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, कर देगा, ये नहीं लिखा हुआ है। आप अच्छे से बाइबल पढ़ेंगे तो उसपे लिखा हुआ है, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, ये पास्ट टेंस है। मतलब जो पुराने समय 2000 साल पहले प्रभु यीशु ये कर चुके हैं, पर इसका जो असर है वो हम पे क्यों नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। इसको ही हमें, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो, अगर ये जो क्या होता है ना, शैतान प्रलोभन देता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है और इस वचन को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इसे अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते, जिस तरह से हम बार बार अपने उसी की, वही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम इस वचन के सत्य को ना समझ कर उलझे हुए रहते हैं और लंबे समय तक रोग और बीमारियों का सामना करते रहते हैं। इसलिए जब हमारी बीमारी के समय इन वचनों को हम कंटिन्यूसली स्वीकार करते हैं, जैसे प्रभु यीशु हमारे, जैसे अभी अभी हमने श्राप के बारे में सुना, मतलब गैलेशियंस 3:13 में क्या लिखा था, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। अगर मैं बाइबल पढ़ूंगा तो मैं ये वचन को ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे मैंने अभी पढ़ा है, आप भी पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मतलब यहाँ हम पर, हम सिर्फ इस वचन को पढ़ रहे, हमारे लिए, उन्होंने, ये सब और हमको, ये जो वचन है ये प्रभु यीशु ने सिर्फ एक मेरे लिए, आपके लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु की कृपाओं को देखा है, वो उनके लिए नहीं है, सबके लिए है ये, इसीलिए वचन में दिया गया है, सबके लिए दिया गया है। बट इसी वचन को अगर हम थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, मॉडिफाइड मतलब हम निजी बना लेंगे और वह प्रार्थना बन जाएगा, तो कैसे बनेगा, अगर अगर हम इस वचन को इस तरह पढ़ेंगे,
प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने मुझे संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। और मत्ती 8:17 और पहला पेत्रोस 2:24 इन वचनों को अगर मैं कंबाइन करके एक निजी कर लेता हूं तो उसको कैसे पढ़ेंगे? प्रभु यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूं। अगर इस वचन को हम इस तरह से, प्रभु यीशु ने जो 2000 साल पहले कार्य कंप्लीट कर चुका है, उसे हम अगर मुख से स्वीकार करेंगे और उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, और शैतान का सामना हम इस वचन के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब ये वचन हम बोलते हैं ना तो शैतान को चोट लगता है, मार लगता है, जमते मार लगता है। जब मार लगता है तो अगर किसी ने आप किसी शत्रु मतलब किसी के साथ फिजिकली फाइट कर रहे हो, मतलब सामने कोई है आपको मार रहा है और आप उसको आप ही अगर वचन नहीं समझ रहे हो पर मार रहे हो, तो क्या होता है? जब हमने एक झापड़ मारा तो वो मारता है। जब अगर वो हमसे स्ट्रांग है तो क्या करेगा? हमको बटाबट बटाबट मारेगा, हम मार खाते जाएंगे खाते जाएंगे। इसी तरह से शैतान चतुर भी है, मतलब चतुराई तो है, धूर्त भी है और वो अदृश्य है सबसे बड़ी बात। तो जब हम आप वचन पढ़ोगे तो आपको क्या होगा? बहुत बार हम अनुभव करते हैं कि हमने वचन पढ़ लिया और हमारी तबीयत और खराब होने लगी, और खराब होने लगी, मतलब पहले जो थी उससे भी ज्यादा खराब होने लगी। तो ये तभी होता है जब इसी तरह से जैसे शैतान जो है अदृश्य है, वो आपके सामने वाला स्ट्रांग व्यक्ति के समान है। जैसे हम फिजिकल अभी मैंने बोला कि अगर आपके सामने वाला जो आपका व्यक्ति है जो फिजिकल फाइट कर रहे हो, आप ज्यादा स्ट्रांग है तो वो आपके हावी होगा, आपको जम के मारेगा। तो आप उसकी मार खा के दब जाओगे और अपने आप को सरेंडर कर दोगे कि बस आप मान लोगे कि मैं तो आगे नहीं कर सकता। इसी तरह से हम भी हमारी रियल लाइफ में जब ये जो तकलीफ बढ़ती है तो हम उस तकलीफ के द्वारा प्रताड़ित होकर अपनी समस्या को परमानेंट बना लेते हैं, अपने आप में मान लेते हैं कि ये ठीक ही नहीं हो सकता है और वो मुंह से स्वीकार कर लेते हैं। इसकी वजह ये जब हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमने पवित्र वचन सुना और हमारी तबीयत और बिगड़ गई, तो ये हमारे सिग्नल है कि हमें जो ये वचन है इसको मुंह से बार बार स्वीकार करना। मतलब जिस तरह से आप अगर किसी का सामना कर रहे हो और लड़ाई कर रहे हो तो आप उसको और तेजी से मारोगे और ज्यादा जोर से मारोगे तभी वो आप उससे हावी हो पाओगे ना। मतलब सामने अगर अभी अभी हमने बात किया, अगर फिजिकली फाइट कर रहे तो और तरीके से हम जब तक उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक हम कमजोर हो जाएंगे और हार लेंगे। बट हमको क्या करना है? इस अदृश्य शैतान का शत्रु का सामना करना है इस वचन के साथ। हमें बार बार मुंह से स्वीकार करना है। एक सबसे सरल तरीका है, आप आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, आप इस वचन को इस तरह से पढ़ो और रिकॉर्ड करो। प्रभु यीशु मेरे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने मुझे संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। और पहला ये जो वचन है, प्रभु यीशु मेरी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। इसे रिकॉर्डिंग करो अच्छे से, बार बार सुनो। जब आप आपकी आवाज आपके कान में जाती है ना, तो जिस तरह से हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमारे हृदय में जाता है, हमारे कान में जाता है। तो जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो विचार आप तो अनुभव करेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो प्रताड़ना, जो हमारे विचार आते हैं नेगेटिव थॉट्स, वो आना धीरे धीरे कम होंगे। शुरू में तो बढ़ेंगे, शुरुआत में अगर आप देखेंगे 2-3 दिन बढ़ते जाएंगे और ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। बट उसके ऊपर आपको जब ऐसा हो तो आपके लिए समझना है कि वचन कार्य कर रहा है, मतलब उसको शैतान को मार पड़ गई इसलिए वो आपको दोबारा ज्यादा मार रहा है। तो उसको डबल मारने के लिए इस वचन को और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। दिन भर में 10 बार, 100 बार, 50 बार जितनी बार हो सके उतनी बार सुनते जाओ, सुनते जाओ। जितनी बार आप ऐसा सुनोगे तो शैतान को मार लगेगा और वो भागेगा आपसे। क्यों भागेगा? क्योंकि इब्रानियों के ग्रंथ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4:12 में क्या लिखा है? Hebrews 4:12, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, लिविंग वर्ड, सशक्त, स्ट्रॉन्ग और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। मतलब जो परमेश्वर का वचन है वो जीवंत है, लिविंग वर्ड है, सशक्त है, शक्तिशाली है और दूधारी तलवार की तरह है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मतलब जो हमारे दिल मन के अंदर में और हमारे अंदर जो फाइट चल रहा है, स्पिरिचुअल फाइट, उसके अंदर क्या होगा? जो शैतान विचार दे रहा है नकारात्मक,
इस वचन जो हम प्रभु यीशु के वचन कन्फेस करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वह एक डबल दुधारी तलवार की तरह शैतान को काटता है, मारता है और भगाता है वो वचन। तो उसके बाद एक समय के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे अपने शरीर में कि आप ठीक होते जा रहे हैं। आप करके देखिए ये तरीका, आपको स्वयं अनुभव होगा। ये जो है वचन मैंने टेस्ट किया है, अभी रिसेंट टेस्ट है मैंने, मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले हफ्ते, मतलब आज से 8 दिन पहले, मेरे ऑफिस की एक हिंदू लड़की है, कलीग है, उसको वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी। हमारे ऑफिस में लॉकडाउन के कारण से वर्क फ्रॉम होम दिया है, तो वो उसकी फैमिली में किसी को शायद कोरोना पॉजिटिव हुआ रहेगा या कुछ तो कॉन्टेक्ट रहेगा, तो उसका जो टेस्ट है, जो सेंसिव सेंस है, वो कम हो गया। तो उसे डाउट हुआ, पहले शायद, मतलब पहले उसके मन में विचार आया कि मुझे डाउट ये हो रहा है, तो गई और फिर धीरे धीरे उसे सिम्टम्स आने लगे, खांसी, सर्दी, गला बैठना, इस तरह से आने लगा, कोरोना के सिम्टम्स आने लगे। वो गई और डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट टेस्ट करवाया और उसका कोरोना पॉजिटिव निकला। तो उसने क्या किया, डर गई, बहुत घबरा गई। उसने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट किया, वो सरकारी अस्पताल में गई, अपने आप को एडमिट कर लिया, भर्ती कर लिया, और उसके बाद में ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। और उसने जैसे फॉर्मल की वो अभी घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने मुझे फोन किया और बोला, सर मैं कोरोना हो गया। मैंने बोला, मुझे पता चल गया था क्योंकि मेरे दूसरे कलीग ने बताया कि उसको पॉजिटिव निकल गया। तो मैंने उसे सबसे पहले बोला कि फर्स्ट काम तुमको जो करना है, आप अपनी बीमारी के बारे में प्रचार करना बंद करो। मतलब जब हमको रोग आता है ना, शरीर में बीमारी, तो हम क्या करते हैं, जैसे टीवी में ऐड आता है ना, प्रचार प्रचार होता है, उसी तरह से हम हमारी बीमारी को प्रचार करते हैं। सब जितने रिश्तेदार है, दोस्त है, सबको फोन करके बोलते हैं कि मुझे ये कोरोना पॉजिटिव हो गया है, मुझे ये तकलीफ हो गई, सबको बताना चालू करते हैं। बार बार हम अपने मुंह से कन्फेशन करते हैं कि अपनी बीमारी को कन्फेस करते हैं। तो अगर हम सुक्ति ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा पर निर्भर है। अगर हम हमारे मुंह से बीमारी को कन्फेस करते, बार बार कन्फेस करते, तो वो जो रोग है, जो टेम्पररी है, जो रोग आता है ना, वो टेम्पररी है। इट्स आप स्वयं अनुभव करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर हम हमारी जीवन बीमारी को स्वीकार कर लेते हैं अपने मुंह से और उसका प्रचार करते हैं, तो क्या होता है, वो बीमारी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सचमुच में आ जाती है और पकड़ के रख लेती है जम के। क्योंकि यही तो शैतान की चाल है, यही तो चतुरता है शैतान की, कि वो आपको इस तरह से प्रलोभन डालता है और फंसा लेता है। तो उसके साथ भी यही हुआ, वो लड़की के साथ भी यही हुआ। उसने क्या किया, सबको फोन करना चालू किया, मुझे भी फोन किया। मैंने उसको बोला, सबसे पहला काम तुम अपनी बीमारी का, कोरोना पॉजिटिव का प्रचार करना बंद करो, डोंट एडवर्टाइज योर सिकनेस, फर्स्ट थिंग। उसको वचन शेयर किया कि जीवन और मृत्यु सुक्ति ग्रंथ है, सुक्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा पर निर्भर करती है, आप उसका सदुपयोग करो। पहला चीज ये काम किया। दूसरा काम क्या किया, उसे मैंने ये पवित्र शास्त्र जो वचन है अभी आपको मैं जो सुनाया है, मत्ती अध्याय 8:17 और पहला पेत्रुस 2:24, ये उसके साथ शेयर किया। जैसे ही उसने ये वचन पढ़ा कि उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए, शी वाज सरप्राइज। वो हिंदू लड़की है, कभी सुना नहीं है, तो वो एकदम से प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, ऐसा करके मेरे को लिखने लगी और बोला कि ये मुझे और जानना, मतलब और उसके अंदर ये हुआ। पर मैंने उसे बोला कि पहले तुम पढ़ो इस वचन को, और गैलेशियंस 3:13 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, 3:13 में मसीह हमारे लिए शापित बने, इस तरह उन्होंने हमारे अभिशाप को उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है शापित है। ये तीनों वचन मैंने उसे भेजे और उसने उन्हें पढ़ा। अभी जब वो पढ़ ली उसने वचन, तो उसने तुरंत मेरे को क्वेश्चन किया कि सर क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने उससे बोला, मैंने उसको व्हाट्सएप पे, हमारा चैट चल रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, में उसको ये वचन शेयर करके मैंने उससे फिर फोन कॉल किया। मैंने बोला, अगर तू विश्वास करती है, अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हो, तो आप पूरी तरह से ठीक होकर घर जाओगे। मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ वचन दिया और उसे एक एडवाइस किया कि इस वचन को रिकॉर्ड करो और बार बार सुनो, बार बार सुनो। फिर उसने पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन उसने बोली कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पूछा हाउ आर यू, तो बोलते ठीक है, आई एम फीलिंग बेटर।
बट फिर उसके मन में डाउट आया, संदेह आया। उसने बोला कि सर मैं सच में ठीक हो जाऊंगी क्या? मैंने बोला अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। ये प्रभु यीशु ने बार बार कहा है कि अगर आप तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। तो यह वचन उसने रिकॉर्ड करके, बात मानी मेरी और रिकॉर्ड करके तीसरे दिन बाद, पहले दो दिन तो नहीं किया, बट पहले पर क्या किया उसने, जैसे ही बिस्तर पे लेटी तो यूट्यूब चला लिया। अभी क्या करेगा बीमार आदमी बिस्तर पे लेटे हुए, व्हाट्सअप चल रहा है, नहीं तो यूट्यूब चला के पिक्चर देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे। पर जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है, ये शैतान का एक अलग तरीका है, एक अलग तरीका है हमें प्रलोभन में डालने का। तो वो अपने मार्ग से इस वचन को नहीं पढ़ के, इस वचन की शिक्षा को भूल गई और उसकी तबीयत और खराब होने लगी। फिर उसने कहा कि सर, उसको बार बार विचार आने लगे, मतलब पहले फिजिकली तो नहीं हम खराब होती शरीर हमारा, पहले हमको मेंटल सिकनेस आता है, मतलब मानसिक रूप से हम बीमार पड़ते हैं। तो उसने मुझे फिर क्वेश्चन करा कि सर मैं सच में ठीक हो जाऊंगी? मैंने उसे वापस से यही वचन बोला कि तो रिकॉर्ड करो सुन, रिकॉर्ड करो सुन, तो ठीक हो गई है। मतलब उसके लिए फिर बाद में प्रार्थना की, यही प्रार्थना मैंने जो अभी आपके सामने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने मुझे संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। प्रभु यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भले चंगे हो गए हूँ। ये वचन उसने रिकॉर्ड किया और वापस सुनना चालू करी। प्रेज गॉड, 5 दिन बाद उसका मैसेज आया कि सर आई एम फीलिंग बेटर एंड नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट, मतलब उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह पर जहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं ना, कोरोना नेगेटिव होने के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, तो वहाँ उसको शिफ्ट किया। और उन्होंने बोला कि 2-3 दिन बाद तुमको अगर तुम्हारा सिम्टम्स नहीं रहा और ठीक ठाक रहा तो तुमको डिस्चार्ज मिलेगा। जस्ट ये हफ्ता 2 दिन पहले ही उसका मैसेज आया कि मतलब मुझे बताया उसने कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं कल डिस्चार्ज हो गई हूँ, मतलब आज डिस्चार्ज हो गई हूँ, घर चले गई हूँ। प्रेज़ गॉड, ये वचन से वो हिंदू लड़की ने विश्वास किया और उसकी जो कोरोना पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो ये जो वचन है ये प्रभु की महिमा के लिए है, ये दवाई जो मैंने अभी दी है, ये वचन वो हिंदू लड़की के लिए कार्य कर सकता है, तो ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए कार्य करेगा। तो इस तरह से हमें पवित्र वचन को विश्वास करना है, क्योंकि अगर इस वचन को हम उस अभिशाप जो ऊपर निर्गमन ऊपर जो किया हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ, सॉरी ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28:17 में जो श्राप दिया हुआ है वो, और 20:21 जो बीमारी के बारे में श्राप मिला अभी हमने पढ़ा, वही सारे श्राप का उल्टा है। इस श्राप से तोड़ने का ये वचन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। हम हमारे मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि हम अभिशाप से मुक्त हो चुके हैं और उसके बाद हम इस वचन द्वारा उसका सामना कर रहे हैं। कौन सा वचन? मत्ती अध्याय 8:17 और 1 पेत्रुस 2:24, प्रभु यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। इस वचन को हमें कन्फेस करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है, हिब्रू इब्रानियों 4:12 में हमने जैसे पढ़ा कि प्रभु यीशु का वचन, ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, तो वो शैतान को मारना चालू करता है और एक टाइम बाद शैतान भाग जाता है। सिर्फ यही नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं इसे और ज्यादा नहीं लंबा लूंगा, थोड़ी से जल्दी करेंगे सब। आज का टॉपिक ये है कि 19:30 में योहन अध्याय 19:30 में प्रभु यीशु ने कहा सब पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। तो इट इज फिनिश्ड मतलब आज के परिवेश, मतलब 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु ने हमें पापों, अपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और दूसरा काम किया उन्होंने, अपने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें श्राप मुक्त कर दिया है। आज हमें उसको स्वीकार करने की जरूरत है, आज हमें उसको स्वीकार करके उस वचन पर विश्वास करके शैतान का सामने करने की जरूरत है, शैतान जो हमारे दिमाग में विचार डालता है नकारात्मक, उनसे लड़ने की जरूरत है। तो यही अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। तीसरा काम क्या किया, तीसरा काम हमारे लिए सभी कृपाओं का रास्ता खोल दिया, मतलब जो हमने पिछली क्लास में सुना था ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, अब्राहम को ईश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद जो उसे मिला था, वो भी हमें उसका भी मार्ग खोल दिया, मतलब वो सारी की सारी इब्राहिम की ब्लेसिंग्स है जो वो हमें मिल,
हमें भी प्राप्त हो गई है। कैसे पता चलेगा हमें? गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:14, गलेशियंस 3:14 में क्या लिखा हुआ है? यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा हम वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यदि हम पवित्र वचनों को विश्वास के साथ अध्ययन करते हैं और उसको बार बार अपने हृदय में बिठा लेते हैं, मजबूत करते हैं अध्ययन के साथ में, तो यह जो है हमें संहिता के अभिशाप से, हमें पाप से मुक्ति मिल गई, संहिता के अभिशाप श्रापों से मुक्ति हो गई, साथ में हम इब्राहिम के आशीर्वाद के उत्तराधिकारी बन गए। जिस तरह अभी हमने पढ़ा, वह हमें विश्वास द्वारा मिलेगा और जिसकी प्रतिज्ञा इब्राहिम को परमेश्वर द्वारा की गई थी वह हमें भी मिलती है। इसीलिए गलातियों 3:29 में, गैलेशियन 3:29 में क्या पढ़ा है, लिखा हुआ है, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। कंफर्मेशन है यहाँ पर कंफर्मेशन है कि गैलेशियन 3:29 में यदि आप लोग मसीह के है तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। यदि मसीह के है, कैसे मसीह के है? अगर आप पिछला मेरा यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे जाके देखिए, उसमें हमने योहन अध्याय 15:4-5 पे लिखा है, मैं सच्ची दाखलता हूँ तुम हरी डालियां। अगर हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु की शिक्षाओं के साथ पालन करते हैं, तो हम भी मसीह के साथ एक हो जाते हैं और इन सभी ब्लेसिंग्स का हमें भी अनुभव होता है। वही वो जो ब्लेसिंग है कहाँ है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22:18 में लिखा है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। उत्पत्ति ग्रंथ 22:18 में जब अब्राहम ने टेस्ट पास किया, मतलब इसाक को जब उसके इकलौते बेटे को छुरा उठा के मारने गया, तो परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम रुक जा, परमेश्वर के दूत ने कहा, परमेश्वर के जो मैसेज किया, और उसने कहा आगे, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। पृथ्वी के सभी राष्ट्र मतलब हर एक कंट्री जहां पर प्रभु यीशु को मसीह स्वीकार करा जाता है, मुख से स्वीकार करा जाता है और उसके आज्ञाओं का पालन किया जाता है, तो वो उनके वंश पूरा की पूरा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों में कल्याण होता है। तो इसीलिए हमें आज के जैसे हमने परिवेश में देखा, अब्राहम का टेस्ट हुआ, जो पायुब का टेस्ट हुआ, प्रभु यीशु का भी टेस्ट हुआ, तो हमारे जीवन में भी टेस्ट होता है। टेस्ट परमेश्वर के द्वारा से आता है क्योंकि परमेश्वर की योजना को समझने के लिए, उस पर सीखने के लिए हमारे लिए एक टेस्ट होता है। जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं साल भर, और साल के आखिरी में टेस्ट होता है ना, एग्जाम होता है। क्यों होता है? कि हम तभी पता चलता है कि ये अगली क्लास में जा सकता है कि नहीं, मतलब हम प्रमोट कर सकते हैं। स्कूल का टीचर तभी टेस्ट और एग्जाम के द्वारा, यहाँ पर मौसी है, मेरी मौसी जो वो स्कूल टीचर है, तो उनको पता है कि आप जब बच्चे का टेस्ट एग्जाम का पेपर चेक करते हो तो वो अगर सवाल सभी ऐसा आंसर दिखाए तभी आप उसको अच्छे मार्क्स देकर पास करते हो और अगली क्लास में प्रमोट करते हो। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे जीवन में जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, टेस्ट लेके आता है। बीमारी के रूप में कभी टेस्ट होता है, कभी होता है गरीबी और आर्थिक संकट के रूप में टेस्ट आता है। तो ये टेस्ट तो होता है परमेश्वर की तरफ से, पर इसकी तरफ से जो प्रलोभन, इसके साथ एक प्रलोभन भी आता है, टेम्पटेशन बोलते हैं जिसे, वो शैतान लेके आता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी टेस्ट होता है, तो उस समय हमें रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, ईश्वर को सवाल नहीं करना है। जिस तरह से शैतान ने सोचा कि मैं अय्यूब के जीवन में कष्ट दूंगा तो मुंह पे परमेश्वर की बुराई करेगा, परमेश्वर को बोलेगा कि ये क्या किया, प्रभु आपके मुख पर आपकी बुराई करेगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी आज टेस्ट होता है, तो हमें क्या करना है, हमारे टेस्ट के समय रोना दुखी नहीं होना है, ईश्वर को सवाल नहीं करना है। इसके बजाय क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में आए टेस्ट को एक मौका समझना है, कंसीडर इट एज ए अपॉर्चुनिटी, मतलब एक मौका समझना है। जिस तरह से एग्जाम आता है और एग्जाम तो हम पास कर लेते हैं और हम अगली क्लास में प्रमोट होते हैं, उसी तरह से टेस्ट के साथ जब हम शैतान के द्वारा किए गए प्रलोभन का सामना प्रभु के वचन द्वारा करते हैं तो हमें निश्चय ही विजय प्राप्त होती है। और जो प्रभु की जो योजना है आपके जीवन में, उसमें अगले चरण में आप प्रवेश करते हो।
तो टेस्ट आना कभी खत्म नहीं होगा, लाइफ में टेस्ट आते जाएंगे, उस टेस्ट का सामना पवित्र वचन के सहारा हमें करना है। तो यही याकूब के पत्र अध्याय 1:3-4 में हम पढ़ेंगे, याकूब ने क्या लिखा है। जेम्स चैप्टर 1:3-4, आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है, मतलब आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। और चौथे वचन में धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए। संत पौलुस बता रहे हैं हमको, नहीं याकूब हमें बता रहे हैं अपने पत्र में कि धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा परिपक्व, परिपक्व मतलब मैच्योर, मैच्योर बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। तो जब हमारे जीवन में टेस्ट आता है ना, तो हमें परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं करना, सवाल नहीं करना है, बल्कि उस टेस्ट को एक मौका समझना है कि जिस तरह संत याकूब ने अपने पत्र में लिखा है, आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचते दीजिए। तो हमें भी हमारे जीवन में अपने टेस्ट में धैर्य रखते हुए पवित्र वचन के द्वारा उसका सामना करना है शैतान का, और वो जो धैर्य है जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा परिपक्व बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना पूर्ण होने से पहले हम टेस्ट द्वारा परखे जाए और मैच्योर हो जाए, तो इसलिए हमारे जीवन में टेस्ट आता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 5:17, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यहाँ क्लियर लिखा है ना, जैसे डाकलता के साथ एक जुट होकर एक जुड़कर हम एक प्रभु में एक हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है। यहाँ पर कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5:17 में संत पौलुस ने लिखा है, इसका अर्थ यह है यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई और सब कुछ नया हो गया, मतलब पुराने पाप, पुराना श्राप, पुराने श्राप की वजह से आई विपत्तियां, कठिनाइयां, रोग, गरीबी, दरिद्रता सब समाप्त हो गई है। तो इसीलिए हमें उस प्रभु यीशु के साथ एक हो जाना है और ग्रहण करना है प्रभु के द्वारा दी हुई ब्लेसिंग्स को। तो आज का टॉपिक यही था कि प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले अंतिम वचन कहा था, अब सब पूरा हुआ। तो इसी तरह प्रभु यीशु ने जो संहिता में आदम और हव्वा के समय से आए हुए श्राप को, फिर मूसा के द्वारा आई संहिता के श्राप को, इस तरह से अपने कार्यों से लास्ट वर्ष जो प्रभु यीशु ने हमने योहन अध्याय 19:30 में पढ़ा, अब सब पूरा हो चुका है, सब पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, मतलब हमारे रोग खत्म हो गए, हमारे अभिशाप खत्म हो गए, हमारे गरीबी, दरिद्रता, श्राप सब खत्म हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, अब सब कुछ पूरा हो चुका है। तो यही आज का हमने विषय लिया था। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, आज हमने आपके पवित्र वचनों को सीखा है। प्रभु हमारे दैनिक जीवन में हमें आपकी शिक्षाओं का पालन करने की कृपा दीजिए, ताकि हम आपके वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता बने और प्रभु यीशु में एक होकर सच्ची दाखलता के साथ जुड़े रहकर इस जीवन की यात्रा में सब कुछ अलौकिक और रहस्यमय रूप से सुपर नेचुरली प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। जय यीशु। जय यीशु। प्रेज गॉड। Thank you.